subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुक्सा शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 32 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि एक ही दिन में 1877 नए मरीजों की तशखीस हो गई। पाकिस्तान में कोई भी मुनज़्ज़म दहशतगर्द तंजीम मौजूद नहीं है, DGISPR मेजर जनरल बावर इफ्तखार कहते हैं। खतरात अंदरूनी हो या बैरूनी, हमेशा हकाइक के जरिए निशानदेही की और मुकाबला किया। चीनी कौंसलेट हमले में सहूलतकारी पर BLA के 5 कारिंदों पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतालिक रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी खारजा को तलब कर लिया। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, आला ग्रीन क्वालिटी, 75% फूड ग्रेड अल्कोहल, नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। कोरोना वायरस से 32 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 10,974 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,04,293 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,877 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,45,508, सिंध में 2,26,338, खैबर पख्तूनख्वा में 61,424, बलोचिस्तान में 18,412, गिलगित बल्तिस्तान में 4,880, इस्लामाबाद में 39,242, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,489 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 71,22,538 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 34,524 नए टेस्ट किए गए। अब तक 4,58,371 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,286 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 32 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 10,676 हो गई। पंजाब में 4,272, सिंध में 3,699, खैबर पख्तूनख्वा में 1,740, इस्लामाबाद में 441, बलोचिस्तान में 188, गिलगित बल्तिस्तान में 101 और आज़ाद कश्मीर में 235 मरीज जान से हाथ धो बैठे। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बावर इफ्तखार ने कहा है कि भारत नहीं चाहता पाकिस्तान पुरअमन और तरक्की की राह पर गामजन हो। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन से सिक्योरिटी सूरत हाल मजमू तौर पर बेहतर हुई और अमनो अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई। इस हवाले से मजीद जानते हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि गुज़िश्ता एक दहाई से सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियां जारी हैं। रवां साल कोरोना मईशत सिक्योरिटी मसाइल का सामना रहा। कोरोना सूरत हाल ने मुआशी और गजाई सूरत हाल को खतरे में डाल दिया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि अंदरूनी और बैरूनी खतरात का बहादुरी के साथ मुकाबला किया, दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में 3,71,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन से सिक्योरिटी सूरत हाल मजमू तौर पर बेहतर हुई। खुदकुश हमलों में 97% वाज़े कमी आई। आज तमाम कबायली इलाके खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हैं। DGISPR ने कहा कि कराची में दहशतगर्दी में 95% कमी आई।
कराची में अगवा बराए तावान में 98% कमी आई। कराची का क्राइम इंडेक्स छठे नंबर पर था, अब 103 पर है। सरहदी इलाके में दहशतगर्दी 55% कम हो गई। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मजीद कहा कि हमें भारतीय इश्तियाल अंगेजियों का सामना है। भारत नहीं चाहता पाकिस्तान पुरअमन और तरक्की की राह पर गामजन हो। मशरकी सरहद पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी में इजाफा हुआ। भारतीय फौज दानिस्ता तौर पर शहरी आबादी को निशाना बना रही है। पाक फौज ने भारतीय खिलाफ वर्जियों का हमेशा भरपूर जवाब दिया। भारत ने 2019 में सबसे ज्यादा सीज फायर मुहैदे की खिलाफ वर्जियाँ की। कराची में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चीनी कौंसल खाने पर हमले में सहूलत कारी के इल्ज़ाम में कलदम BLA के 5 कारिंदों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चीनी कौंसल खाने पर हमले में सहूलतकारी का इल्ज़ाम में कलदम BLA के 5 कारिंदों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। समात के मौके पर मुलजिमान अहमद हसनैन, नादिर खान, अली अहमद, अब्दुल लतीफ और असलम को अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने अदालत को बताया कि अब्दुल लतीफ समेत 2 मुलजिमान अपने जुर्म का एतराफ़ कर चुके हैं। मुलजिमान ने हमला आवरों को असलहा और धमाका खेज मवाद फराहम किया। मुलजिमान को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और बैरून मुल्क से मौली मावनत हासिल है। पुलिस ने अदालत को मजीद बताया कि केस में मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल राब्ता किया जाएगा। 15 मफरूर मुलजिमान में हरबियार मरी, अली दाद बलीदी, कमांडर शरीफ शामिल हैं। इस मौके पर अदालत ने सहूलतकारी के इल्ज़ाम में कलदम BLA के 5 कारिंदों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। ताहम मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहान और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमरीका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतालिक वजारत खारजा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए रिमार्क्स दिए कि हम आज भी वहां ही खड़े हैं जहां 4 साल पहले थे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और उन्हें वतन वापस लाने से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद ने वजारत खारजा की जानिब से रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। आफिया सिद्दीकी की हमशीरा फौजिया सिद्दीकी के वकील की जानिब से मौकफ इख्तियार किया गया कि रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों का तहफ्फुज करे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया। अभी तक कोई अपडेट नहीं कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद ने कहा कि अमरीका में हमारा कौंसल खाना डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले को देखता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जज जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत पाकिस्तान ने अब तक आफिया सिद्दीकी के लिए हमें क्या दस्तावेजी सबूत दिखाए। बगैर दस्तावेजात के रिपोर्ट की कोई हैसियत नहीं। आपने रिपोर्ट बाकायदा तरीके से फाइल की भी नहीं। महज आपके बयान पर हम इस केस को नहीं निपटाएंगे। 4 साल बाद ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और आज भी कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं। दफ्तर खारजा इस मामले पर इतना गैर संजीदा कैसे हो सकता है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।